आज मैं आपके साथ नाश्ते की एक बहुत ही लाजवाब, मज़ेदार, इंटरेस्टिंग सी एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी, क्रिस्पी और करारे बनते हैं। ये बच्चों और बड़ों को, सभी को ये बहुत पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये बहुत पसंद आएगी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। नमस्ते दोस्तों, मैं शीला द होमी मील्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस क्रिस्पी और मज़ेदार नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर दो कच्चे छिले हुए आलू लिए हैं। इन आलू को मैंने छीलकर अच्छे से धोकर ले लिया है। अब हम इसे कद्दूकस करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक बाउल में पानी ले लिया है और अब इन आलू को इसमें हम घिसते जाएंगे और इसमें हम डालते जाएंगे ताकि आलू जो है हमारे काले ना पड़े। और मैं इसे मोटे वाले छेद से ग्रेट कर रही हूँ, इस तरह से, ये देखिए। और ये लच्छे जब हमारे नाश्ते में खाते समय आते हैं तो ये बहुत ज़्यादा यमी और टेस्टी लगते हैं खाने में। तो इसी तरह से हम इन दोनों आलू को अच्छे से घिसकर पहले तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए, इन आलू को मैंने कद्दूकस कर लिया है। तो अब इन घिसे हुए आलू को हमें अच्छे से वॉश करना है क्योंकि इसमें स्टार्च होता है, तो इसलिए इनको जो है हमें 2 से 3 बार पानी से अच्छे से धो लेना है। और ये देखिए, यहाँ पर इन आलुओं को हमने 2 से 3 बार पानी से अच्छे से धो लिया है और आप देख सकते हैं इसका पानी कितना साफ दिख रहा है। तो इसे अभी हम रख देंगे साइड में। और इधर गैस के ऊपर मैंने यहाँ पर एक पैन रख दिया है और फ्लेम को मैंने यहाँ पर मीडियम पर करके रखा हुआ है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच के जितना ऑयल और तेल को गर्म होते ही हम इसमें डाल देंगे 1 छोटी चम्मच के जितना जीरा और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च हम इसमें डाल देंगे। और 4 से 5 कली लहसुन को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया, इसे हम इसमें डाल देंगे। और 1 चम्मच हम इसमें डाल देंगे रेड चिली फ्लेक्स। और 6 से 7 कड़ी पत्ता को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है, इसे हम इसमें डाल देंगे। और इसे डालकर थोड़ी देर के लिए इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा इसे हमें फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा इसे हमें सॉफ्ट होने तक पकाना है। तो 8 से 10 सेकेंड हो गया इसे पकाते हुए हमें। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। तो मैंने यहाँ पर ये कप लिया है, इस कप से मैं इसमें 2 कप पानी ऐड कर दूँगी और इसी कप से मैं इसमें 1 कप सूजी डाल दूँगी। तो जितना हम इसमें सूजी ऐड करेंगे उसका हमें इसमें डबल पानी ऐड करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप इसमें डालने के लिए 1 कप या कटोरी कोई एक बर्तन सेट कर लीजिए और उसी से इसमें नाप कर आप रेशो इसमें डालिए। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच के जितना सफ़ेद तिल, इससे इस नाश्ते में एक बहुत बढ़िया सा टेस्ट आता है। साथ ही साथ 1/2 छोटी चम्मच के जितना हम इसमें नमक डाल देंगे और इसे डालकर इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें हम एक उबाल आने देंगे। तो अब ये पानी अच्छे से उबलने लग गया है, अब हम इसमें डाल देंगे आलू। तो मैंने जो आलू ग्रेट करके रखा था उसे मैंने अच्छे से पानी से निकाल कर अच्छे से निचोड़ लिया है, इसे हम इसमें डाल देंगे। और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे गाजर। तो मैंने यहाँ पर 1 गाजर को कद्दूकस कर लिया था, इसे हम इसमें डाल देंगे। इससे जो है नाश्ता खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, साथ ही साथ हेल्दी भी बहुत बनता है। और इसे डालकर इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम एक उबाल आने तक इसे हम पकाएंगे। तो अब यहाँ पर ये मिक्स बहुत अच्छे से पकने लग गया है, इसमें बहुत बढ़िया सा उबाल आ गया है। तो इस स्टेज पे अब हम गैस के फ्लेम को एकदम सिम पर कर देंगे और इसमें हम डाल देंगे सूजी। तो जिस कप से मैंने इसमें पानी ऐड किया है उसी कप से मैंने 1 कप सूजी ले लिया है, इसे हम इसमें डाल देंगे। और ये नॉर्मल सूजी है जो हम डेली यूज में यूज करते हैं, आप पतली या मोटी कोई सी भी सूजी ले सकते हैं। और इसे डालकर इसे हम फटाफट अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई गांठे वगैरह या लम्स वगैरह न रह जाए, अच्छे से इसे मिक्स करना है। और 1 से 2 मिनट के बाद आप देखेंगे कि जो है मिक्स तले को छोड़ने लग जाएगा और ये डो के फॉर्म में तैयार होने लग जाएगा। तो इस स्टेज पे अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ये जो डो है हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो इसे हम एक बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे और इसमें हम इसे फैला देंगे। तो इसे अभी हम रख देंगे साइड में ठंडा होने के लिए और तब तक हम इसके लिए एक स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है और मैंने यहाँ पर लिया है पनीर, ये 50 ग्राम है। इसे मैंने कद्दूकस कर लिया है, इसे हम इसमें डाल देंगे। तो आप चाहे तो यहाँ पर आप पनीर की जगह पे उबला और मैश किया हुआ आलू भी इसमें आप ले सकते हैं। और एक छोटे से साइज की प्याज को बारीक बारीक कट कर लिया है, इसे हम इसमें डाल देंगे। 2 चम्मच बारीक कटी हुई शिमला मिर्च इसमें हम ऐड कर देंगे और 3 से 4 कली लहसुन को मैंने यहाँ पर ग्रेट कर लिया है, इसे हम इसमें डाल देंगे। इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा इस नाश्ते में। साथ ही साथ 1 इंच अदरक के टुकड़े को बारीक बारीक चॉप कर लिया है, इसे हम इसमें डाल देंगे। और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च हम इसमें डाल देंगे। तो तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं दोस्तों। और 1/2 छोटी चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे। साथ ही साथ हम इसे चटपटा बनाने के लिए डालेंगे चाट मसाला। तो 1 चम्मच के जितना हम इसमें चाट मसाला डाल देंगे। तो चाट मसाले में भी नमक होता है, उसी हिसाब से इसमें आप नमक ऐड करें। और 1/4 टीस्पून के जितना इसमें हम कूटी हुई काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। साथ ही साथ इसमें हम बारीक कटा हुआ खूब ढेर सारा हरा धनिया डाल देंगे, इससे जो है इस नाश्ते में एक बहुत बढ़िया सा टेस्ट आएगा। और इन सबको डालकर इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब नाश्ता बनाने के लिए ये चटपटा सा हमारा स्टफिंग अब बनकर तैयार है। और इधर ये डो भी हमारा अब हल्का सा ठंडा हो गया है, तो इसे हम हाथों से अच्छे से मसल मसल कर इसे हम गूंथ लेंगे। तो अगर डो आपका चिपक रहा हो तो हाथों में आप थोड़ा सा तेल लगा लीजिए और तेल लगा कर इसे अच्छे से गूंथ कर तैयार कर लीजिए।
तो अब ये जो है डो भी हमारा बहुत अच्छे से स्मूथ हो गया है और अच्छे से तैयार हो गया है और इधर स्टफिंग भी हमारी तैयार है। तो फिर आइए चलिए अब हम नाश्ते को बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें हाथों में अच्छे से तेल लगा लेना है ताकि नाश्ता बनाते समय हमारा जो डो है ये बिल्कुल भी हाथों में नहीं चिपकेगा। और फिर इसमें से हम एक पूरी के जितना हम लोई तोड़ लेंगे और हाथों से इसे अच्छे से हम इसे गोल करके चिकना कर लेंगे। और फिर इसे हम अंगूठे की सहायता से इस तरह से दबाते हुए इसको हम कटोरी की शेप में इसे हम तैयार कर लेंगे और फिर इसके अंदर हम स्टफिंग भर देंगे। तो इसमें भरने के लिए जो मैंने स्टफिंग तैयार करी थी उसके मैंने इस तरह से छोटे छोटे से बॉल्स बना लिए हैं। तो अब हम इसमें से एक बॉल्स लेंगे और इस कटोरी के अंदर हम इस तरह से इसे रख देंगे और फिर हाथों से इसे हम दबाते हुए इसे अच्छे से हम बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स इसे हमें हाथों से अच्छे से दबाते हुए इसे हमें इस तरह से पैक कर देना है ताकि ये कहीं से भी ना खुल सके। और आप देख सकते हैं ये कितनी आसानी से बनकर तैयार हो गया है। तो अब ये नाश्ता हमारा जो है बनकर तैयार हो गया है, इसे हम रखते हैं प्लेट में और सेम तरीके से हम सारे नाश्ते को बनाकर पहले तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये नाश्ता खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बनता है। इस तरह से बनाकर आप अपने बच्चों के लंच में भी दे सकते हैं, उन्हें ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स इस नाश्ते को इस तरह से एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप सभी को ये बहुत पसंद आएगा। और ये लीजिए दोस्तों, यहाँ पर इस तरह से सारे नाश्ते को अब मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। तो फिर आइए चलिए इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है और तेल हमने रख दिया है गर्म होने के लिए। तो इस नाश्ते को मैं सैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहे तो इसे आप डीप फ्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स नाश्ता फ्राई करने से पहले तेल हमारा बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसमें एक एक करके ये नाश्ता डाल देंगे। और फिर जब ये एक साइड में थोड़े से सिक जाएंगे तब हम इनको पलटेंगे। अगर इन्हें आप बीच में पलटने लग जाएंगे तो ये टूट सकते हैं, इसलिए इन्हें एक साइड में पहले अच्छे से सिकने दीजिए तब इन्हें आप पलटिए। और फिर इनको हम उलट पलट कर मीडियम फ्लेम पर गोल्डन क्रिस्पी और करारी होने तक अच्छे से हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो अब इस नाश्ते को हमें यहाँ पर फ्राई करते हुए 4 से 5 मिनट हो गया है और आप देख सकते हैं दोस्तों इस नाश्ते में कितना बढ़िया सा कलर आ गया है और ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं, एकदम गोल्डन और क्रिस्पी फ्राई हुए हैं। तो इस नाश्ते को अब हम ऑयल से बाहर निकाल लेंगे और इसे हम रख देंगे इस तरह से किसी छन्ने पे ताकि जो है इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है सब जो है बाहर निकल जाए। तो इनको अभी हम रख देंगे साइड में और इसी तरह से जो है बाकी के बचे हुए सारे नाश्ते को हम फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर दूसरे बैच का भी जो है हमारा नाश्ता अच्छे से फ्राई होकर तैयार हो गया है, बहुत प्यारा कलर आया है इसमें आप देख सकते हैं, बहुत क्रिस्पी और करारा फ्राई हुआ है। और ये लीजिए दोस्तों कच्चे आलू और सूजी का जो है कुरकुरा सा नाश्ता हमारा बनकर तैयार है खाने के लिए। तो इस नाश्ते को आप चटनी सॉस दही चाय किसी के साथ भी से आप ट्राई कर सकते हैं, खाने में बहुत ज़्यादा ये टेस्टी लगेगा और इसकी आप आवाज़ भी सुन सकते हैं, ये देखिए कितना क्रिस्पी बना है ये। तो अब इस नाश्ते को मैं तोड़ कर भी दिखाती हूँ। तो इसे मैं बहुत देर के बाद तोड़ रही हूँ, अगर इसे आप गर्मा गर्म खाएँगे तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और करारा लगेगा। तो फ्रेंड्स अगर आज की हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।